हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फास्ट टेक रवि। काफ़ी दिनों के बाद, लगभग एक से डेढ़ महीने के बाद मैं दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इस बीच में कि सर कब शुरू होगा। ऑफलाइन का तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि ऑफलाइन कब शुरू होगा, क्योंकि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। फिर से दोबारा लॉकडाउन हुआ है, काफ़ी कुछ ओपन हुए हैं, बट एजुकेशन सेक्टर को अभी उतना प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है ताकि हम अपने क्लासेस को दोबारा से चालू कर सके। इसलिए मैं ऑनलाइन दोबारा से आपके पास लेकर के आया हूँ। फिर से जैसे हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वैसे ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल बीच में मेरा कुछ समय के लिए तबीयत खराब हो गया था, फिर लाइट प्रॉब्लम, फिर बारिश वगैरह, लेकिन अब मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, इन सब को देखते हुए, क्योंकि अगर हम वेट करते रहेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो दोबारा से मैं अगेन एंड अगेन उसी चीज़ों को थोड़ा सा रिपीट करूंगा, थोड़ा आपको मेमोराइज करवाऊंगा और फिर से एक लय में एक सही ढंग से शुरुआत करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, काफ़ी स्टूडेंट्स वीडियोज वगैरह देखना छोड़ चुके थे, तो दोबारा से प्लीज़ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी वीडियोज हैं ऑर्गेनाइज वे में हैं, जो भी आप बनाया गया है, हर एक चीज़ को पैटर्न में रखा गया हुआ है, तो उसे एक बार रिवाइज कीजिएगा ताकि जो न्यू वीडियोज आएंगे उसे समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, एक बात ऐसा है कि जितना मैंने छोड़ा था, अगर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो उनसे बहुत कुछ सीख चुके होंगे, उससे आपको डिजाइनिंग करना काफ़ी आसान अब हो गया होगा, बट अभी भी हमें एक फिनिश लाइन देना बाकी है और प्रैक्टिस करवाना आपको थोड़ा सा बाकी है। तो चलिए, आज संडे है, संडे को मैं आज जो है आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आज का मेरा वीडियो जो होगा काफ़ी शॉर्ट होगा, ज़्यादा लेंदी वगैरह नहीं है, एक सिंपल ट्रिक है। काफ़ी स्टूडेंट्स बीच में मुझे ये कॉल करके पूछे थे या मैसेज किए थे कि सर कि कोई भी जो वीडियो है यूट्यूब वीडियो है ना, अगर हम उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। बहुत सारा तरीका है डाउनलोड करने का, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे आपको यूट्यूब डाउनलोडर मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, बट मैं जो है आज काफ़ी सिंपल तरीका डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें आपको ऐप्स वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको यूट्यूब ऐप का भी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली किसी भी वीडियो को ब्राउज़र के मदद से, ध्यान समझिए, ब्राउज़र के मदद से, क्योंकि एक तो जगह होना चाहिए जहाँ पे हम वीडियो ओपन कर सके, तो ब्राउज़र के ही मदद से हम सिंपली उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे ऑफलाइन के लिए या अपने मेमोरी कार्ड फ़ोन में आसानी से स्टोर करके दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। YouTube डाउनलोड में ये होता है, जब हमारा YouTube ऐप है उसमें ये होता है कि वो ऑफलाइन वर्जन के लिए डाउनलोड होता है, बट उसी ऐप में होता है। अगर हम YouTube ऐप को डिलीट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, वीडियो भी ऑटोमेटिक ऑफलाइन से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हो, और सबसे ईजी ट्रिक, काफ़ी लोग इस चीज़ को जानते भी होंगे बट दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। जिन्हें नहीं पता होगा वो इस चीज़ को देख करके समझ जाएंगे। और एक पॉइंट और गुजारिश होगी कि मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ है ना, तो मोटिवेट करने के लिए वीडियोज़ को काफ़ी शेयर कीजिएगा, जो भी पुराने टॉपिक्स थे उस चीज़ को भी आगे बढ़ाइएगा, फ्लो बनाइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, व्यूअर्स बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े, लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। तो देखिए, मान लिया जाए मैं अपने ही वीडियोज में से किसी एक वीडियो को मान कर चलिए डाउनलोड करना चाहता हूँ। मान लिया जाए मैंने वेब डेवलपमेंट का ट्यूटोरियल ओपन किया, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो चाहते होंगे कि ऑफलाइन के लिए मैं इसे डाउनलोड कर लूँ, बाद में इसे मैं देख लूँगा। तो चलिए मान लिया जाए मैंने क्या किया, वेब डेवलपमेंट का एक टॉपिक ओपन किया है ना, तो इस तरीके से मानकर चलिए कि हमारा एक वीडियो ओपन हो गया। सिंपली आप फ़ोन में भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप फ़ोन लैपटॉप कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरा क्या है, ब्राउज़र है, ब्राउज़र सभी को पता है, गूगल क्रोम है ना, गूगल क्रोम, आपका मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर का बात नहीं कीजिए, चाइनीज माल है वो, गया है ना, उसके तो मैं काफ़ी खिलाफ में भी था, बायकॉट भी कर रहा था, आप लोग देखे भी होंगे, एक डेढ़ महीने पहले भी मैंने इस चीज़ को बायकॉट किया था, तो उस चीज़ को अब तो रहने दीजिए। क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स की हम लोग बात करते हैं, और भी जो चाइनीज नहीं है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्रोम इज द बेस्ट, वी कैन यूज दैट, हम लोग क्रोम को ही लेकर के चलते हैं। तो क्या है, जैसे मान लिया जाए फ़ोन में या लैपटॉप में कहीं पे भी आप YouTube ओपन कीजिए, YouTube.com काफ़ी ईजी है। YouTube.com ओपन करने के बाद आपको जो भी वीडियोज पसंद है आप सर्च कीजिए, देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप ओपन कीजिए। जैसे मैंने अपने वीडियोज को ओपन किया है, यहाँ पे अपने एक वीडियो को ओपन किया है,
है ना। अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को क्या करूं, डाउनलोड करूं, तो कितना इजी तरीका है सो देखे, हमें ध्यान देना है यूआरएल पे। ये देखे क्या लिखा, youtube.com, ये रहा इसका वॉच टाइम, ये इसका हो गया आईडी, वीडियो आईडी। तो इस तरीके से हमारा क्या है, वीडियो ओपन हो गया है। अब मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूं, तो देखिए क्या करेंगे, ये जो आपको youtube.com लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, यूआरएल पे क्लिक करेंगे। फोन में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं कि आप उस सर्च वाले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद क्या करना है सो देखिए, यहां जो आपको YouTube दिख रहा है, ये देखिए, ये जो www.youtube.com दिख रहा है, इससे पहले आपको क्या करना है, डबल एस अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, डबल एस। जैसे ही आप डबल एस अप्लाई कीजिएगा, ये देखिए थोड़ा मैं जूम कर दिया मैंने, यहां पे देखिए जूम करने के बाद थोड़ा सा धुंधला होता है क्योंकि ये रिजोल्यूशन चेंज हो रहा है। तो यहां पे देखिए www.youtube.com, डबल एस यूट्यूब, ध्यान दीजिए कितना सिंपल है। वीडियो मैंने ओपन किया, जो भी वीडियो मुझे डाउनलोड करना था, ओपन करने के बाद यूट्यूब से जस्ट पहले मैंने डबल एस अप्लाई कर दिया। अब डबल एस अप्लाई करने के बाद अब सिंपली क्या करना है, इंटरफेस कीजिए, यहां पे हम क्या करते हैं एंटर, तो क्या हुआ, इंटर प्रेस करने के बाद एक नया पेज ओपन हुआ। उसी में यहां पे देख सकते हैं काफी सिंपल है, साफ साफ ऐसे ही आपको दिखेगा। ये देखिए, ये आपका वीडियो का लिंक है जो कि ऑटोमेटिक मेरे ब्राउजर के डाउनलोडर में आ गया, कोई सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक वेबसाइट है, बोल सकते हैं हाँ सिंपल वेबसाइट है, जहां पे आप खुद से भी ओपन करके यहाँ पे लिंक डाल करके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, वहां से रीडायरेक्ट कर दिया डायरेक्ट। सिंपल डबल एस से क्या होता है, ये एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है जहां पे आप यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं, आप चाहे तो MP3 मीन्स इसको सॉन्ग के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं MP3 के रूप में, या फिर आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ये 720 है, आप यहाँ पे जो चाहे वो रख सकते हैं ना। हम यहाँ पे 360 में भी डाउनलोड कर सकते हैं और 720 में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही आपका क्या होगा, वीडियो रीडायरेक्ट हुआ, जैसे मैंने 360 में डाउनलोड किया, ये देखिए कन्वर्टर, यहाँ पे देखिए मेरा वीडियो ओपन हो गया। अब ये देखिए, ये 360 ओपन हुआ है, ये देखिए 360 ओपन हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो 3 डॉट आपको दिख रहा है, ये 3 डॉट यहाँ पे आपको आसानी से डाउनलोड दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा डाउनलोड यहाँ पे शुरू हो गया, वीडियो प्लेबैक डॉट MP4, हमेशा देखिएगा तो इसका नाम यही होगा, वीडियो प्लेबैक डॉट MP4। डाउनलोड होने के बाद आप उसे रिनेम कर सकते हैं आसानी से, काफी इजी तरीका है। जैसे ही मेरा वीडियो ओपन हुआ, वीडियो ओपन करने के बाद कोई भी वीडियो, ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी वीडियो को इस फॉर्मेट में अगर आप ओपन करते हैं, तो आसानी से आप 3 डॉट पे क्लिक करके वहां से डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, काफी इजी तरीका है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस वीडियो को भी पूरे फॉर्मेट में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इजी वे में ब्राउजर के मदद से, गूगल क्रोम के मदद से, हम आसानी से किसी भी यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी यूजफुल वीडियो है ना। साथ ही साथ सिंपल ट्रिक है, क्या करना है, यूट्यूब से पहले, दोबारा सुन लीजिए, यूट्यूब से पहले मीन जो आपका लिंक ओपन होता है, वीडियो लिंक ओपन होता है, वहां पे यूट्यूब से पहले डबल एस अप्लाई करना है, इंटर प्रेस करना है, जो भी फॉर्मेट आएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, गाने के रूप में, वीडियो के रूप में, जैसे चाहे वैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोबारा यही बोलना चाहूंगा कि मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं, तो एक मोटिवेशन के तौर पे अच्छे से देखिए, हर एक चीजों को देखिए, व्यूज अच्छे होंगे, लाइक्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, कमेंट्स होंगे, तो ऑटोमेटिक मेरा मोटिवेशन थोड़ा और हाई होगा और छोड़ने का मन कभी नहीं करेगा। कैसा भी परिस्थिति में मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगा आपके लिए। तो चलिए आज इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, एंड अप करते हैं। थैंक यू।